हम आए हुए हैं MUTC ट्रेनिंग सेंटर में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है ट्रेनिंग सेंटर डीजल सेट NKJ का और हम फिलहाल मेमू ट्रेन की ट्रेनिंग के लिए आए हुए साथ हैं ये हमारे सीनियर टेक्नीशियन 1 और सबसे पहले हमारे सीनियर MCM मास्टर क्राफ्टमैन और ये है हमारे टेक्नीशियन 1 सीनियर भैया और मुझे तो आप जानते ही होंगे मैं हूँ टेक्नीशियन ग्रेड बी लोग हैं साथ में। तो भैया आज हम किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर MUTC ट्रेनिंग सेंटर में? वी आर स्टैंडिंग देयर फॉर मेमू ट्रेनिंग। मेमो ट्रेनिंग यू नो वेरी वेल यू आर ट्रेवलिंग राइट यू नो ये बोर्ड देख रहे हैं आप इस मेमो ट्रेन है जो क्या है कि ये 1st में क्या करती है ये स्पीड पकड़ती है। आपने कभी यात्रा किया होगा जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं उसमें आजकल फुल्ली क्या कैसी आ रही है फुल्ली क्या माइक्रो प्रोसेसर वाली पावर है उसी के बारे में हम लोग जानकारी करने जा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा जानकारी हम लोगों को नहीं है। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद वी आर वेलिंग टू डिस्क्रिप्ट में तो आपको बताएंगे तब ज़्यादा सिखाएंगे। तो हम अभी इनसे मिल के बात करेंगे ट्रेनिंग लेने के बाद। तो फाइनली हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाएंगे कैसे एक क्लास यहाँ पर ये पार्किंग एरिया थोड़ा सा और इधर पर एक ट्रेनिंग ये क्या चीज़ है CBC राइट काम है सेंटर बफर कपलिंग तेरा तेज बोलना बफर कपलिंग और आपने देखा होगा यदि आपने ट्रेन में सफ़र करते हैं और कभी उतरते हैं इंजन कभी जो है जुड़ता है जुड़ता तो बीच में जो उसकी कपलिंग होती है वो ऐसे ही जो उसका मेन पॉइंट है ये अच्छा ये मेन पॉइंट है मैं इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ यस वहीं लगाओ ये राइट अच्छा हो रहा है इसके थ्रू लॉक होकर के क्या होता है इंजन जुड़ जाता है और ये कस करके रखता है जिससे दूसरे छूट नहीं पाते हैं। तो चलिए अभी हम ट्रेनिंग सेंटर के लिए अंदर प्रवेश करेंगे और दिखाते हैं फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर में एंटर कर रहे हैं और ये कुछ ऐसा है व्यू यहाँ का। आइए ये सबसे फ्रंट में ही माता जी की फ़ोटो लगी है जय माता दी। सब लोग बैठे हुए हैं ट्रेनिंग सेंटर में और आप देख सकते हैं और आप कुछ देख सकते हैं रूम का व्यू इस तरह है और हम MUTC में आ चुके हैं और करने वाले हैं मेमू ट्रेनिंग के बारे में पढ़ाई। ये चीज टूटा ये ऐसे फिर ऐसे ये उसी के साथ तीन कोच लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं TC ड्राइवर मोटर कोच। ट्रेनिंग सेंटर तो देख सकते हैं आप ये हमारा क्लासरूम था कुछ मोटर्स वगैरह मॉडल के लिए रूप में रखी हुई है। तो फाइनली हम लोगों ने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करी। भैया आपने क्या सीखा कुछ थोड़ा बहुत जानकारी? हेलो गाइस आज हम लोगों ने क्या है कि मेमो के बारे में जो मैंने पहले आप लोगों को बता चुका था कि हम लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं yes. हमारी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग ये जान चुके हैं कि हम लोग को एक्चुअली मेमो को ऑपरेट कैसे करना है उसी के बारे में डिटेल हम लोगों को पूरी जानकारी दी गई है। क्या अंदरूनी जानकारी की नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये अवॉइड किया जाता है और रेलवे सेफ्टी आइटम है क्योंकि और बाकी फिर आप लोग चलते हैं आगे जानकारी कुछ अवेलेबल होगी तो हम आपको ऐसा दिखता है हमारा ट्रेनिंग सेंटर। तो आप देख सकते हैं फूल क्यारियां सब लगा हुआ है और ये है बाहर का नज़ारा और ये सभी हम लोग चार लोग ही हैं एक मैं हो गया भैया लोग हैं सीनियर और ये है NKJ का व्यू और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ट्रेनिंग सेंटर। तो हम जाने वाले हैं कैंटीन और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर था वो साइड थी सबसे पीछे। हम जा रहे हैं अभी चाय पीने और लगभग टी टाइम भी हो गया है लगभग 10:30 बज रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है लगभग 1 से 1.5 घंटे चली और हमको मेमू ट्रेन का कॉल रिटर्न करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। चलिए चलते हैं कैंटीन की तरफ और फिर बात कर चल रहा है ट्रैकमैन लोगों का काम। और तो ये हम आ चुके हैं रेलवे स्टाफ कैंटीन आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या खिला रहे हैं पाचक वाली चाय ले रहे हैं थोड़ा दिखा दो पास से ये मसाला चाय ब्लैक कलर की एक नंबर बहुत स्वादिष्ट बहुत शानदार चाय है बहुत और हम लिए हैं ये वाइट वाली मसाला चाय में भी ले लेते हैं या काली चाय बहुत नीक थी ये बोरी चाय में कहा क्वालिटी हवा है वह क्वालिटी नहीं है यह पाचक हवा है यह में कहा है नुकसान नहीं करे। अरे मऊ पी पहले बोरी चाय तो फिर नुकसान पहले ब्लैक अरे एक साथ रात क्या बता रहा हूँ ना तो यह पियत रहा हूँ